अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर शहजाद भाई। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है पाकिस्तान फ्री एजुकेशन, इट्स फॉर एजुकेशन पर्पस, सो एंड इट्स हैज सो मेनी ट्रेनिंग्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, कंप्यूटर कोर्सेज, सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप प्रोफेशनल सीवी बनाते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की प्रोफेशनल सीवी 2020 जो कि एक्सेप्टेबल हो वर्ल्ड वाइड, वो आपने किस तरीके से बनानी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। देखें, ये एक प्रोफेशनल सीवी है जो डिजिटल मार्केटिंग की मैंने आपके लिए निकाली है ढूंढ के, और ये जो सीवी है ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से आपने बनानी है। देखें, सबसे पहले ये आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये बैकग्राउंड पे आप कुछ हल्का सा बैकग्राउंड ले सकते हैं, डॉटेड बैकग्राउंड ले सकते हैं, या वाइट भी रख लें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद सबसे पहले आपने अपना नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला यहाँ पे, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के बाद देखें मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा। जस्ट आपने टाइपिंग शुरू करनी है। टाइपिंग शुरू करने से पहले आपने पेज लेआउट में जाना है। ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पेज लेआउट का बटन है। पेज लेआउट में जाना है और फाइल में जाके आपने सबसे पहले तो न्यू कर लेना है। न्यू डॉक्यूमेंट करने के बाद आप किधर आ जाएंगे, पेज लेआउट में आ जाएंगे। पेज लेआउट में आने के बाद आपने सबसे पहले साइज, इस पेज का साइज क्या करना है, इस पेज का साइज A4 सेलेक्ट करना है। ये आप देख सकते हैं, ये A4 इस पेज का साइज सेलेक्ट करना है। ओरिएंटेशन आपने पोर्ट्रेट रखनी है, और मार्जिन आपने क्या रखना है, नैरो रखना है। मार्जिन आपने क्या रखना है, नैरो रखना है। उसके बाद आपने टाइपिंग करनी है, मिस्टर मोहम्मद शहजाद जो भी नाम है आपने नाम देना है। अच्छा, इस सीवी के अंदर आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखें आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखें, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ये आप कोर्स दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये रेड से, इन्होंने रेड नहीं है, ये मैरून कलर है। आप मैरून कलर सेट कर सकते हैं यहाँ से, तो आप दोबारा वर्ड में जाएं और यहाँ से इसको मैरून कलर आप यहाँ से सेट कर लें। मैरून कलर सेट करने के बाद फिर आप इसको दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये देखें, अगर ये टेलीफोन नंबर, ये देखें आपको मैं गौर से दिखाता हूँ। ये देखें, अगर टेलीफोन नंबर है तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर के देखें सिम्बल बना हुआ है, फिर ये ईमेल का एक सिम्बल है, फिर आपकी वेबसाइट कोई बनी हुई उसका सिम्बल है, फिर एड्रेस आप कहाँ रहते हैं उसका सिम्बल है। तो ये सिम्बल आपने लेने के लिए कहाँ जाना है, सिंपल स्टेप है। सिम्बल लेने के लिए आपने गूगल में जाना है। गूगल में जाके आपने सिंबल का नाम लिखना है, कि जैसे एंड्रॉइड, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि एंड्रॉइड लोगो, एंड्रॉइड सिंबल, PNG नहीं लीजिएगा आप, JPG लीजिएगा, इन एंड्रॉइड सिंबल इन JPG, वो आ जाएगा। उसको साइज छोटा करके आपने नंबर देना है, फिर जीमेल सिंबल आपने लिखना है वो आ जाएगा, फिर एड्रेस लिखना है वो आ जाएगा। ये जब तस्वीर है, आप तस्वीर कहाँ से इंसर्ट कराएंगे, इंसर्ट में जाके देख लीजिए आप तस्वीर कहाँ से इंसर्ट कराएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से पिक्चर में जाएंगे, तो पिक्चर में जाएंगे जहाँ पे पिक्चर पड़ी होगी वो लाके यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पिक्चर के डिफरेंट फॉर्मेट आ जाते हैं। आपने क्या लेना है, ये वाला लेना है। ये वाला लेने के बाद इसका बॉर्डर आपने बिल्कुल रिमूव कर देना है, बॉर्डर बिल्कुल रिमूव कर देना है, ये तो आपको पता होगा किस तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो मैंने बनाया है ये टेक्स्ट बॉक्स से बनता है। देखिए, इंसर्ट में आप जाएंगे, दोबारा दिखा रहा हूँ मैं जूम करके, ये इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिएगा, ये वाला ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। जैसे ही आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करेंगे ये आ जाएगा आपके सामने, और आपने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। एजुकेशन यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे लाइन बनाने के लिए आपने इंसर्ट में जाना है और ये लाइन ले लेनी है यहाँ से। ये लाइन ले लेने के बाद आप यहाँ से इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, पूरा यहाँ तक कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जब सारा काम कर लें तो यहाँ पे एक बार क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसका बॉर्डर हटा देना है। तो बॉर्डर हटाने के लिए राइट क्लिक कर दीजिएगा आप, फॉर्मेट शेप पे आ सकते हैं। फॉर्मेट देखें, ये फॉर्मेट शेप है आपके पास। ये अगर आप फॉर्मेट शेप पे नहीं आना चाह रहे तो जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करें। ये देखें, यहाँ पे डबल क्लिक करें और ड्राइंग टूल में चले जाएं। ड्राइंग टूल में जाने के बाद शेप आउटलाइन है और नो आउटलाइन कर दें। देखें, ये आउटलाइन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ये आप कितनी अच्छी सीवी स्टेप बाय स्टेप तैयार हो रही है, देख रहे हैं आप। ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से आपकी सीवी तैयार हो रही है। उसके बाद जब नीचे देखें, आपने एजुकेशन जो भी आपकी एजुकेशन है, मास्टर ऑफ बिजनेस जो भी आपने किया है, तो वो आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद देखें, अभी मैं क्या करता हूँ, दोबारा से वो ले आता हूँ टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो बॉर्डर था, दोबारा से ले आता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, दोबारा से आ जाएगा। अब देखें, बाद में हटा दीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपने सारी चीज़ें लिखने जानी है। आप चाहें तो मैरून कलर के अलावा कोई दूसरा कलर भी सेट कर सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप आपने वही चीज़ें कॉपी पेस्ट करके लिखते जानी है। आखिर में क्या कीजिएगा कि आप इसके बॉर्डर लाइन हटा दीजिएगा। जैसे ही आप बॉर्डर लाइन हटाएंगे तो इस फॉर्मेट में वो सीवी आपकी आ जाएगी, जैसे मैंने अभी सिखाया था। अच्छा, आप देखें, मैं स्टेप बाय स्टेप, बड़ी अच्छी सीवी है, मुझे बहुत अच्छी लगी और ये प्रोफेशनल सीवी है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ, जूम भी कर दूंगा इसको मैं। सबसे पहले देखें, इनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, नाम है इनका,
या जो भी नाम है, फिर यहाँ पे तस्वीर आ गई इनकी, उसके बाद इनका टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस और ये इनकी ये चीज़ें आ गई बिल्कुल। अब उसके बाद ये आप ये दे सकते हैं कि मैं कितना टाइम गुजारते हैं, कहाँ गुजारते हैं, रीडिंग में, वर्किंग में कितना टाइम, ग्राफ वाइज आप दे सकते हैं, ग्राफ ईजिली मिल जाता है आपको गूगल से। अच्छा, उसके बाद फाइंड मी ऑनलाइन, आप ऑनलाइन कैसे ढूंढेंगे इनको, ऑनलाइन कैसे ढूंढेंगे ये आप देख सकते हैं, फाइंड मी ऑनलाइन का ऑप्शन भी आ रहा है। ये फाइंड मी ऑनलाइन में जैसे ही जाएंगे तो ये लिंक्डइन पे स्लैश आप पेज बना लीजिएगा, ट्विटर पे पेज बना लीजिएगा, इसके लिए आपकी कौन कौन सी है यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फर्दर आप गूगल एनालिटिक्स पे काम करते हैं, वर्डप्रेस पे, फोटोशॉप पे। अच्छा, आप क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो एसईओ जरूर लिखिएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये 2020 के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। अच्छा दोस्तों, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल का नाम है पाकिस्तान फ्री एजुकेशन, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दूंगा डिजिटल मार्केटिंग, और भी बहुत सारी ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर बताइएगा ताकि दबाइएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिले। एजुकेशन में आपने एजुकेशन लिखना, अच्छा ये एड्रेस का साइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एड्रेस का साइन है, ये आपने जरूर देना है, गूगल से आप निकाल सकते हैं। ये जो साइन है ये डेट का होता है, बेसिकली डेट का सिंबल है। जीपीए कितनी आई है आप वो लिख सकते हैं, माई लाइफ फिलोसफी अपने लाइफ के बारे में आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छी सीवी है ये, आप जरूर इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल इसी तरीके से आप इसका आखिर में स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप, ताकि आप इसी तरीके की सीवी बना सकें। उसके बाद ये देखें क्लिंग ग्रुप, आपने किस ग्रुप से किया है, मैनेजिंग क्या क्या आप काम कर सकते हैं, डिजिटल स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में, ऑप्टिमाइजेशन, पोर्टफोलियो, गूगल एडवर्ड पे काम कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आप बता सकते हैं। उसके बाद आपने क्या बताना है, स्पेशलाइजेशन और आपकी किस किस चीज़ में, इंटरनेशनल मार्केट्स में स्पेशलाइजेशन, अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में तो वो भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है ये लिख सकते हैं, आपके पैशन क्या है, आपका हॉबी क्या है, फोटोग्राफी है, ट्रैवलिंग है, टेक्नोलॉजी, ये लिख सकते हैं आप, फिर डिजिटल मार्केट। अच्छा, आपने क्योंकि दो चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं खुद भी डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो दो चीज़ें ज़रूर रिप्रेजेंट करूँगा, एक सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में आपने ज़रूर बताना है, और एक गूगल एनालिटिक्स के बारे में बताना है कि आपने गूगल पे ऐड किस तरीके से लगाते हैं और आप इसमें कितने एक्सपर्ट हैं, सीपीसी आपको आती है, और आपने ये ज़रूर चीज़ें बतानी है। फिर आप कहाँ काम कर चुके हैं, एक्सपीरियंस बताना है, इंटर्नशिप आपने किए कहाँ किए, शिकागो में अगर इन्होंने किए तो कहाँ किए, ये तमाम चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप बतानी है, ठीक है। तो आप जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हम नई नई चीज़ें इसमें सीखेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।